मध्य प्रदेश डिजिटल प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी ने फेक न्यूज को बड़ी समस्या बताया और कहा कि फेक न्यूज डिजिटल के दौर का अंधकार है। डिजिटल मीडिया से जुड़े इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि, वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय और पाणिनी आनंद ने अपने विचार रखे। डिजिटल प्रेस क्लब एवं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त बैनर तले भोपाल के सायाजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें डिजिटल मीडिया और बदलता मध्य प्रदेश विषय पर वरिष्ठ पत्रकारों और अतिथियों ने प्रकाश डाला। वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी ने फेक न्यूज पर कहा कि फेक न्यूज डिजिटल के दौर का अंधकार है। फिनलैंड दुनिया का इकलौता देश है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। उनका देश फेक न्यूज से मुक्त हो चुका है। भारत सरकार भी इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाए, स्कूलों में इंटरनेट और फेक न्यूज के प्रति बच्चों को शिक्षित किया जाए। फेक न्यूज उस अंधकार का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके बारे में मैं अभी आपसे एक मिनट में बात करूंगा, जो मेरा विषय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल, जो हम समाज की बात करते हैं और डिजिटल की बात करते हैं, उसकी शक्ल क्या है। उसकी शक्ल यह है कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ के आसपास इस समय हमारी आबादी है। इसमें से 120 करोड़ हमारे पास में आधार इस समय है, सरकार ने बाकायदा कहा है। इसका मतलब 120 करोड़ जो लोग हैं वो इस डिजिटल की सीमा में हैं, जब में हैं। उसके बाद में अगला डेटा आता है, वो आता है कि हमारे मुल्क में इस समय 110 करोड़ फोन हैं। उन 110 करोड़ फोन में से कोई 60 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन हैं, बाकी फीचर फोन हैं, गरीब गांव वालों के लिए वो सिर्फ हलो हाय करते हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पी नरहरि ने कहा कि देश में तकनीक के विकास के साथ डिजिटल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। आज 10% लोग सोशल मीडिया और डिजिटल पर निर्भर हैं। सरकार ने भी अब सोशल मीडिया डिपार्टमेंट शुरू कर दिया है। डिजिटल मीडिया में आज वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। बेहतर कंटेंट के साथ उनके लिए रीच भी जरूरी है। प्रिंट मीडिया का जो क्षेत्र रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने काफी कवर करने का प्रयास किया, और जब अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का प्रवेश हुआ है मध्य प्रदेश में, आज की तारीख में जो हमारा मोबाइल, स्मार्टफोन, मोबाइल का पेनेट्रेशन है उसको देखा जाए तो लगभग 12-15% है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रोल आर्मी काम करती है जो निष्पक्ष काम करने वालों के लिए खतरा है। तो आज इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी बड़ी शक्ति दे दी है कि हम हर किसी चीज को अफवाहों के माध्यम से, पहले अफवाह वर्ड ऑफ माउथ से होती थी, चौथी चल गई, बाद में पता गोली चल गई। बस ये जो पहले जो अफवाहों का बाजार गर्म होता था, आज सोशल मीडिया अफवाहों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा, इस देश के लिए खतरा है, इस हमारे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इस खतरे को लड़ाई लड़ने के लिए मैं समझता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय ने सोशल मीडिया और डिजिटल साक्षरता विषय पर कहा कि सूचना की सत्यता परखने के लिए हमें कई अखबार पढ़ने की जरूरत है। अखबार सूचनाओं का गेटवे बन गया था, लेकिन सोशल मीडिया ने आकर गेटवे तोड़ दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिजिटल प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश भाटिया और आभार क्लब के सचिव विनय द्विवेदी ने किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।